हाय कर दो, देखो हंस रहा है। हाय करो, हाय करो। आज दिन का शुरुआत हो चुका है सुबह से। अरे 5 बजे उठे। हाँ जी, मम्मी नहीं है तो 5 बजे से उठ के काम कर रही है। मम्मी नहीं है, मम्मी गई है भागलपुर शादी के घर में, शादी के मतलब शादी वाले घर में। हाँ तो अब आएगी 3-4 दिन में, मंगल या बुध को आ जाएगी। और ये वो लोग हो रहा शूट इतवार को। तो अभी गाली मैम जो है सुबह सुबह 5 बजे उठ गई है, क्योंकि मम्मी उठ जाती थी रोज 5 बजे। मैम साहब तो 6 बजे या 6 बजे तक उठती थी, 6 बजे से पहले भी नहीं उठते थे, 6 बजे के बाद। हाँ 6 बजे के बाद उठती थी। नहीं, जिस दिन आप काम पे जाता हूँ 5:30 बजे उठते थे ना। आज मुझे जाना है काम पे, तो सुबह सुबह उठ के नाश्ता बनाना, घर का काम फिर करना था। मम्मी ने बहुत हेल्प करती थी। हाँ सुबह उठ के मम्मी सारा काम कर लेती थी, झाड़ू वाड़ू जितना काम है बाहर का वो सब कर लेती थी। सब अगर अभी जो है रेडी करने का इंतजाम वो भी कर लेती थी वो। और मम्मी है नहीं तो इनको परेशानी है पूरा, 5 बजे उठी है, 7.5 दिन तो सोएगी नहीं, फिर रात में वही 12 बजे सोएगी। अब मेरा उठने में दिक्कत नहीं है, मेन प्रॉब्लम होता है कि इंसान का नींद भी बहुत जरूरी होता है, और हम 12 बजे के पहले कभी सोते ही नहीं है, इसीलिए लेट सोते हैं। और किट्टू और मेरा दो जो है साला कहते हैं ना, सारी खुदाई एक तरफ, जुरू का भाई एक तरफ, दोनों हाँ दोनों सो रहा है अभी तक, जब उठेगा तब नाश्ता पानी करेगा। और मऊ कल पता नहीं कहाँ चला गया था घूमने के लिए अकेला अकेला। डांटी खाया बहुत, डांटे बहुत। हाँ नया जगह है, नया जगह है, मुझे तो डर लगता है वो जाता नया जगह है, कहीं चल जाता है, कहीं हरा गया, कहीं खो गया, तो इसीलिए। नहीं मासूम है, उसका टेंशन नहीं है कि खो जाएगा, पर ये ना बहुत बदमाश है, साइकिल स्टैंड की तरह चलाता है, ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके, पता है मऊ का साइकिल चलाता है, स्टैंड मारता है। चलो कोई बात नहीं, समझ जाएगा, मऊ को तो रखेंगे, मोंटी चला जाएगा, क्योंकि 28-29 को फिर उसको ही भेज देंगे। 28-29 को फिर शादी है रिलेटिव में, तो शादी के बाद मोंटी चला जाएगा, मऊ रहेगा। तो चलिए आज का दिन का शुरुआत करते हैं। सबसे अच्छा रोटी है, बता क्या मेरे ऑन के शुद्ध रोटी चल रहा है। हाँ देखो रोटी देखो, ऐसा ना बोलो, ऐसा ना बोलो, इससे पहले देखो सब रोटी अच्छा है, आपसे बात कर रहे हैं ना तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। अच्छा बात करने में काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए देखो दो रोटी चल रही है, उससे पहले अगर एक रोटी भी चला निकालो तो तुम्हारे। चलो कोई बात नहीं, बनाओ, हम चले अब नहाने धोने रेडी होने, हम रेडी होंगे, तब तक तुम्हारा टिफिन रेडी हो जाएगा, नाश्ता भी रेडी हो जाएगा, और नाश्ता करके निकल जाएंगे, ठीक है। हो गया है इनका टिफिन पैक, तो यहाँ पे धर देंगे चौकी पे, ये जब बैग पैक करेंगे तब ले लेंगे अपना टिफिन। तो कल रात में बारिश नहीं हुआ है, शुक्र है कि बारिश नहीं हुआ, कि टूर हो रहा है। और पता है कल मेरा फ़ोन अपडेट हो गया है, तो रिचार्ज करा के दिए थे उस पर से अपडेट हो गया है। और ना इधर भी झाड़ू लगाना है, पूरे में कहीं झाड़ू नहीं लगाए हैं, और बाकी ना ब्रश करेंगे, देखते हैं उठ गया है सोना बड़ा मेरा। वो नींद में चिल्ला रहा है बेबी, वो नींद में चिल्ला रहा है। कल फोन अपडेट होने के बाद में ना, फोन अपडेट होने के बाद फोन में बहुत सारा फीचर्स आया है जो नया नया काफी अच्छा है। चलो दिखाते हैं, आज का मौसम मस्त है, ये मस्त एकदम मस्त। देखो पानी उठा रहे हैं नहाने के लिए, मेरा सारा काम हो गया है, फिर से रो रहा है, अभी गए थे तो सो गया था, फिर से बोला लेट्टू। आने का टाइम भी हो गया और हम रेडी भी नहीं हो पा रहे हैं, किट्टू उठ गया है और अभी तक बंगाली में काम में अपना व्यस्त है। किट्टू गरम पिएगा, गरम मतलब क्या है, बॉर्नविटा ना, हाँ बॉर्नविटा है, कॉम्प्लेक्स, हाँ कॉम्प्लेक्स पिएगा सो के उठ के। और ये मेरे गोदी आ गया, उतर नहीं रहा, हम रेडी भी नहीं हो पा रहे हैं, मेरा टाइम भी हो गया जाने का काम पे। हाय कर दो, देखो हंस रहा है, हाय करो, हाय करो, हाय। इसी को कहता है ये गरम, जो देंगे वो नहीं लेना, वो नहीं लेगा, दूसरा दूसरा जी चाहिए। ऊपर पकड़ो, गरम है, ऊपर का गरम है, गरम है, पी लो, यहाँ पकड़ो, हाँ पियो। फुका
किट्टू सोचेगा मेरा इतना सारा खत्म हो गया और मम्मा के क्लास का जैसा का वैसे ही खत्म ही नहीं होता। बच्चा है इसीलिए हम लोग थोड़ा सा चालाकी कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा होता ना तो ये नहीं चलता हम लोग। तो अभी देखो आम बहुत सारा है जो खराब हो गया। मेरे भाई आया था ना, तो भाई लाया था, मेरे मम्मी भेजी थी गाँव से, अगले भी ब्लॉग पे बताए भी थे। और कुछ दिनों से, दो दिन से ना शायद मेरा ब्लॉग नहीं आया है, तो उसका कारण ये है कि मम्मी नहीं है तो अकेले हम ना हैंडल नहीं कर पा रहे। शूट तो किया हुआ है पर हम एडिट करके पोस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो आज एडिट किए हैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए। तो इसके लिए आप लोग एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो उतना सारा आम देखे, सारा आम फेंक दिए हैं, सब खराब हो गया था, थोड़ा बहुत बचा था उसमें का काटते हैं, देते हैं किट्टू को और भाई लोगों को, देखते हैं खाता है कि नहीं। गाछ का आम तो उतना ज़्यादा मीठा नहीं है, खट्टा है, इसलिए कोई पसंद ही नहीं करता और सब खराब भी हो गया। अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है और दोनों भाई ने भी अभी तक नहीं खाया, इतने देर से चिल्ला रहे, उर्जा उर्जा नहीं उठ रहा। तो हम आ गए हैं दोपहर का बनाने के लिए, क्योंकि बारिश बारिश मौसम कर रहा है ना, कभी भी बारिश आ सकता है। तो गाछ से आज तोड़े थे बैंगन, बैंगन आलू और मछली है, उसका सब्जी बना लेंगे। और सारा आम खराब हो गया, पता है मम्मी इतना दूर से मेहनत करके भेजी है, पर भाई लोग इतना दूर से मेहनत करके लाया, सारा आम खराब हो गया। इतना मतलब क्या हुआ, सैड वाला फीलिंग हो रहा है। और आसमान पे ना पूरा काला, बाहर इतना लाइटिंग नहीं है, अंधेरा अंधेरा, धुंधला धुंधला सब, पूरा एकदम बादल छा रखा है। शायद अभी बारिश आएगी, कभी बारिश आ जाएगा, अभी चले गए हैं काम पे, तो अपना काम फटाफट कर लेते हैं फिर नहाएंगे। चिल्ला क्यों रहा है किट्टू? तो अभी बज रहा है 4 और अभी आ गया है जोर का बारिश। जैसे पापा भी आ गए थे काम से, वो लोग नहा रहे हैं बाहर और किट्टू अंदर जा तो नहीं पा रहा है बारिश में, क्योंकि हम मना कर रखे, तो अंदर ही डांस कर रहा है। वो लोग बाहर बारिश का मज़ा ले रहे हैं, अंदर ही बारिश का मज़ा ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, बहुत ही ज़्यादा, और नॉइज़ आ रहा है ना, सब बगल वाले भी काम हो रहा है, इसलिए सॉरी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।